हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप शितु हैंडीक्राफ्ट्स। आज इस वीडियो में हम बची हुई ऊन से बहुत ही सुंदर बेल तोरण डिज़ाइन बनाना देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 6 चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर पहले वाले चेन में हम स्टिच कर देंगे। अब आगे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 अब इस सर्कल में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर ये 2 बन गए और आगे हम 8 बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 फिर उसके आगे वाले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 फिर उसके आगे वाले चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके आगे वाले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 फिर उसके आगे वाले चेन में 1 बार बनाएंगे। फिर उसके आगे वाले चेन में 2 बार बनाएंगे। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हम ये राउंड को बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। फिर आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 अब यहाँ पर हर एक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम ये राउंड को भी पूरा कर देंगे। यहाँ पर मैंने तीसरे राउंड को भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अब आगे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 अब इस राउंड में भी हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर मैंने चौथे राउंड को भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये क्रीम कलर के धागे से बनाएंगे। यहाँ पर हम पहले इसको जोड़ लेंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे। अब उसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार हो गया। फिर आगे वाले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 उसके आगे वाले चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये राउंड को भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और धागे को हम काट लेंगे। अब ये पिंक वाले धागे को भी हम काट लेंगे और यहाँ पर हम इसको दोनों को मिला के गांठ लगा देंगे। और ये एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। पहले हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर धागे को लंबा करते हुए हम उसी चेन में से 10 बार धागे को निकालेंगे। ये 2 हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर हम इसको पैक कर देंगे।
फिर आगे दो चेन बनाएंगे, एक दो, फिर सेम तरीके से धागे को लंबा करते हुए हम ये चेन में से 10 बार धागे को निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर इसको पैक कर देंगे, फिर आगे और दो चेन बनाएंगे और इस डिज़ाइन को बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना लिया है और ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पर 11 बार बनाया है। अब आगे हम यहाँ पर ग्रीन धागे को जोड़ेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से धागे को डालेंगे और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। यहाँ पर ये बचे हुए धागे को हम काट लेंगे। अब ये दोनों धागों को मिला के हमें बनाना है। यहाँ पर हमने धागे को जोड़ लिया है। अब एक बार हम सुई को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे और आगे हम एक चेन बनाएंगे, फिर धागे को इस तरीके से लंबा रखेंगे और इस चेन में से हमें धागे को 5 बार निकालना है। अब नीचे से एक बार सुई को निकालेंगे हम, फिर धागे को नीचे से लाएंगे और एक बार इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। इस तरीके से हम अच्छे से इस फूल को पैक कर देंगे। फिर आगे हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे एक चेन बनाएंगे, फिर सेम तरीके से हम धागे को लंबा रखेंगे और उसी चेन में से हम 5 बार धागे को निकालेंगे, 2, 3, 4, 5। फिर सेम तरीके से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2-3 बार फ्लावर को पैक कर देंगे। फिर आगे हम 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये लड़ियों को बना लिया है। हमने पहले 7 गोले की लड़ी बनाई है, फिर आगे 9 गोले की लड़ी बनाई है। ऐसे हम 2-2 गोले बनाती हुई लड़ियों को बना लेंगे। आपको जितना लंबा चाहे उतना आप बना सकते हो। अभी इसको हम लटकन लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये लड़ी के साथ हमें ये बेल को ज्वाइन करेंगे। पहले हम सुई में धागे को डाल देंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे। अब यहाँ पर हम धागे को अच्छे से पहले एक बार गांठ लगा देंगे। अब बेल में सुई को डालेंगे, थोड़ा हम खींच लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको पैक कर देंगे। अब धागे को हम काट लेंगे। अब बेल को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा लटकन रेडी है। इस तरीके से हम बाकी सब लड़ियों को लटकन लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डबल धागे को सुई में डाल दिया है और यहाँ पर गांठ लगा दी है। अब हम सबसे बड़ी लड़ी लेंगे और यहाँ पे इसको पहले जोड़ देंगे इस तरीके से। अब ये तोरण पट्टी के साथ हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे।
यहाँ पे हम एक दो बार गांठ लगा देंगे। अब धागे को हम काट लेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम ये जो हमने पहली लड़ी लगाई थी उससे छोटी लड़ी को हम यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे हम सब लड़ियों को यहाँ पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब लड़ियों को तोरण पट्टी के साथ जॉइन कर दिया है और यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर्स को लगाया है और उस पर मोती को लगा दिया है। आप ये रंगी बिरंगी तोरण होली पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।